हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड आई होप दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हमेशा ये क्वेश्चन टेली करते रहता है एग्जाम में और मुझे आशा है कि आप लोग इसको अच्छा से सॉल्यूशन करेंगे और समझेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का 6 नंबर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 9.1 में दिया हुआ है। क्या दिया है क्वेश्चन, 1.5 मीटर ये बॉय, ये मान लीजिए 1.5 मीटर एक लड़का है, ये इतना मीटर लड़का 1.5 मीटर एक बॉय है, खड़ा है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे ये खड़े, हम जमीन पे यहाँ खड़ा है। और क्या बताया जा रहा है, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, लेट द ए बी हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग से 30 मीटर डिस्टेंस में खड़ा है, ये सॉरी कुछ डिस्टेंस में ये खड़ा है, डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट 30 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, मान लीजिए हम कोई भी लड़का है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आईज कहाँ होगा, यहाँ पे होगा टॉप में, नीचे तो नहीं होगा, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, उस बिल्डिंग के एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर बनेगा, तो ऊपर देखेंगे लेकिन एंगल बनेगा नीचे, तो ये 30 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। अब ये देखिए, ये जो हॉरिजेंटल पॉइंट है और यहाँ के आंख का जो हॉरिजेंटल पॉइंट है ये पैरेलल होगा, है ना, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, ओके, और यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ये भी 90 डिग्री होगा। अब जो है क्वेश्चन में बताया जा रहा है आप लोगों को कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, यदि ये लड़का यहाँ से चल के मान लीजिए ये और इधर आते आ यहाँ चलाया यहाँ, तो यहाँ आ जब आ जाता है तब फिर अपना बिल्डिंग को, मान लीजिए हम यहाँ से बिल्डिंग को देखेंगे तो हमको कम ऊपर देखना होगा और नजदीक से जाके देखेंगे तो हमको और ऊपर उठाना होगा, तो एंगल क्या होगा और बड़ा होगा, यानी कि ये 60 डिग्री हो गया, इसलिए नजदीक आएंगे तो बड़ा वाला एंगल नजदीक में देना 60 डिग्री। और अब क्या बोला जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो बताया जा रहा है कि ये जो है मान लें वो डी से एफ तक आया, डी से एफ तक आया, तो डी एफ आप लोगों को बनाना है, निकालना है, ए बी हाइट ऑफ बिल्डिंग है, हाइट ऑफ बिल्डिंग ये है आपका 30 मीटर, हेयर डी एफ जो है वो वॉकिंग कर रहा है बिल्डिंग की ओर जा रहा है, तो डी एफ हैव टू फाइंड, सो यहाँ पे हम इसको वाट लगाए हैं, मतलब वाट साइन दिए हैं, वाट मीन्स फाइंड करना आपको। अब जो है क्वेश्चन में जैसे कि देखिए हम लोगों को निकालना है ये, तो ये मीन्स क्या, समूचा हम निकालेंगे, समूचा निकालेंगे इसके लिए यहाँ पे एक ट्रेंगल बना, ये नीचे वाला पोर्शन छोड़ दिए, यहाँ जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे दो ट्रेंगल बन रहा है ए डी ई और एक ट्रेंगल बन रहा है ए एफ ई, तो सेपरेटली वन एंगल में पहले सॉरी वन ट्रायंगल में पहले फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, ये देखिए 30 डिग्री है ये हम लोगों को दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो लड़का है 1.5 मीटर और यहां से यहां तक जो है ये 1.5 मीटर, जिसको 1.5 मीटर, तो दिस वैल्यू इज ऑल्सो 1.5 मीटर, सो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे ए ई, देखिए यहां से यहां तक ये यहां से यहां से 30 मीटर है, यहां से यहां तक है 1.5 मीटर, तो 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5 मीटर वैल्यू ऑफ ए ई, ए ई हो गया 1.5 मीटर। अब हम बताएं यहाँ दो ट्रायंगल है ए ई एफ और ए ई डी, किसी एक ट्रायंगल को पहले फाइंड करिए, इन ट्रायंगल ए ई एफ में ही ले लीजिए पहले ए ई एफ में, अब क्या लेंगे हम, टेन लेंगे, साइन लेंगे, कॉस लेंगे, क्या लेंगे, देखिए ये थीटा के सामने ये हम लोगों को दिया हुआ कितना अभी निकाले हम 28.5 मीटर ये हम निकाले, तो ऐसे इसको डायग्राम में दिखा सकते हैं, और ये वाला हमको निकालना है, इससे तो मतलब है नहीं, निकालने नहीं बोला गया है क्योंकि हमको ये कितना आया ये चाहिए, तो हम इसको निकाल लेंगे और फिर समूचा निकाल लेंगे और इसको माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल ए ई एफ में ए ई दिया है और ई एफ उसका बेस है, ए ई दिया हुआ है, ई एफ आपका बेस है, तो ये दोनों लेंगे। अब ये देखिए थीटा के सामने हो गया पी और थीटा वाले साइड हो गया बी, तो पी बाय बी, तो ए ई का वैल्यू 28.5 एंड ई एफ वी हैव टू फाइंड, एंड पी पी
इसका वैल्यू ये हो गया और ये जो है कितना किसमें आ रहा है टेन थीटा में आ रहा है टेन सिक्सटी डिग्री, टेन सिक्सटी डिग्री का वैल्यू क्या हो गया रूट थ्री, रूट थ्री के नीचे वन लेकर के इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से फाइंड कीजिए, ई एफ इक्वल टू रूट थ्री ई एफ के साथ आता है तो 28.5 बाय रूट थ्री हो गया, ये इक्वेशन वन हो गया। अब हम दूसरे ये कहां तक का निकला, ये ई एफ निकल गया। अब देखिए आगे हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, इन ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी यहां पर भी वही है, ये थीटा है, इस यहां थीटा, थीटा के सामने ये वाला निकालना मतलब पी दिया हुआ है, आप लोगों को यहां से यहां बी निकालना यानी कि पी बाय बी दैट इज टेन 30 डिग्री, क्योंकि यहां थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, पी वही है 28/5 और डी ई और ये वन बाय रूट थ्री, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम यहाँ पे डी ई इंटू वन, डी हो गया और 28.5 रूट थ्री, ये डी ई का वैल्यू हो गया, ये टू हो गया। अब बट वी हैव टू फाइंड, लेकिन हम लोग फाइंड क्या करना है, देखिए अब आप लोग जो है इसको थोड़ा सा मिटा करके यहाँ पे हम बना रहे हैं, अब हम लोगों को निकालना क्या है, देखिए डी ई हो गया और ई एफ भी हो गया, तो हम लोगों को डी एफ निकालना है, तो डी एफ इक्वल टू क्या होगा डी ई, जो समूचा लाइन है ये समूचा लाइन में ये वाला लाइन ई एफ को माइनस कर दिया मैंने, यानी डी ई कितना निकला देखिए 28.5 रूट थ्री और माइनस यहाँ पे कितना था ये ई एफ, यहाँ देखिए ई एफ का वैल्यू है 28.5 बाय रूट थ्री। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, इसके नीचे वन लेकर के रूट थ्री एलसीएम हो गया, वन से डिवाइड करेंगे रूट थ्री, रूट थ्री रह गया, रूट थ्री, रूट थ्री विल बी बिकम थ्री, रूट थ्री, रूट थ्री इंटू थ्री, तो 28.5 इंटू थ्री हो गया माइनस रूट थ्री, रूट थ्री कट गया, तो यहाँ पे 28.5। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, 3 5 15, 3 8 24, 5 2 3 2 6 2 8.5 माइनस 28.5 बाय रूट थ्री। देखिए इसको थोड़ा सा और नीचे मिटा रहे हैं, लोग अच्छा से समझ लीजिएगा, इसको माइनस कीजिए, देखिए 8.5 और 28.5 यहाँ जीरो आ गया, अब 15 में 7 7 2 -57 यहाँ पर आ गया आपका 57 बाय रूट थ्री। फिर से यहाँ रूट थ्री नीचे को सॉल्यूशन रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो रूट थ्री से इंटू कर देंगे इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दैट इज 57 बाय रूट थ्री बाय थ्री, क्योंकि ये रूट थ्री बिकम थ्री, तो थ्री से ये कैंसल होगा 19 रूट थ्री मीटर, दिस इज योर आंसर। ये इतना दूर हम चल के गए थे, ये लड़का यहाँ से यहाँ तक जो आया 19.19 रूट थ्री मीटर आया।